सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मुगल वंश का तीसरा शासक जलालुद्दीन अकबर वो सूर्य, अग्नि और गाय की पूजा करता था। दरअसल अकबर से ये पूजा करवाता था ये जो व्यक्ति था, मैं आपको बताऊंगा। अकबर को महान इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने अपने शासन काल में सर्वधर्म संभव की नीति अपनाई थी। उसके शासन काल में सभी लोगों को ये इजाज़त थी कि अपने हिसाब से वो लोग अपने आराध्य की पूजा कर सके या इबादत कर सके। अकबर को महान इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि अकबर ने युद्ध में हारे हुए सैनिकों की पत्नियां और बच्चों को बेचने की प्रथा बंद करवाई थी, उस पर प्रतिबंध लगवाया था। उसने एक इबादत खाना भी बनवाया था जिसमें सभी धर्म के लोग जा सकते थे। जितना महत्व वो इस्लामिक स्कॉलर जो थे उनको देता था, उतना ही वो पंडितों को भी देता था। अकबर के लिए जितना महत्व इस्लाम का था, उतना ही महत्व हिंदू धर्म का भी था। इसलिए उसने एक अलग धर्म की स्थापना की थी जिसका नाम था दीने इलाही। ये धर्म का स्वीकार करने वाला सबसे पहला कोई था तो वो थे हिंदू राजा बिरबल। दरअसल दीने इलाही जो धर्म था उसमें हिंदू और इस्लाम धर्म का बहुत ही बढ़िया समन्वय किया गया था। अब्राहम इराली, उन्होंने अपनी किताब एम्परर्स ऑफ द पिकॉक थ्रोन, द सागा ऑफ द ग्रेट मुगल्स, उसमें अकबर के समकालीन इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी का हवाला देते हुए वे लिखते हैं कि अकबर के ऊपर अगर सबसे ज्यादा किसी का प्रभाव था तो वो था हिंदू राजा बिरबल का, यानी कि महेश दास का, जो अकबर के नौ रत्नों में से एक थे। बदायूनी अपनी किताब में, जो समकालीन उसके काल के इतिहासकार थे, वो पीड़ा के साथ ये लिखते हैं उनकी किताब में कि अकबर के ऊपर राजा बिरबल का बड़ा ही प्रभाव था और अकबर को बिरबल ने अग्नि और सूर्य की पूजा करने के लिए राजी कर लिया था। बिरबल के कारण अकबर जल, पत्थर, पेड़ और सभी प्राकृतिक तत्वों की पूजा करता रहता था। इतना ही नहीं, हर रोज वो सूर्य नारायण की भी आराधना करता था, उनको जल अर्पित करता था। ये अब्दुल कादिर बदायूनी ने स्वयं लिखा है। इतना ही नहीं, अकबर के सामने अगर गाय आती थी तो वो गाय को झुककर प्रणाम करता था, यानी कि अकबर गाय को भी उतना ही सम्मान देता था जितना हम देते हैं। ये सब कुछ करने वाले थे राजा बिरबल, यानी कि महेश दास। कहते हैं कि महेश दास अकबर के सबसे प्रिय थे, यानी कि राजा बिरबल, उनके बिना मानो अकबर कुछ भी नहीं था। ये बात अकबर के जो भी सारे दरबारी थे उनको चुभती थी के बिरबल की हर एक बात अकबर क्यों मान लेते हैं। तो ये थे राजा महेश दास, जिन्हें हम राजा बिरबल कहते हैं। उनका प्रभाव अकबर के ऊपर इतना था कि वो गाय, अग्नि, सूर्य, पेड़, पत्थर, इन सभी प्राकृतिक तत्व की वो पूजा करता रहता था। एक बार जब किसी इस्लामी स्कॉलर ने अकबर से ये पूछा कि आप मुसलमान हैं फिर भी आप सूर्य की पूजा क्यों करते हैं, अकबर ने फिर वही बताया जो राजा बिरबल ने उनको बताया था। अकबर ने कहा कि सूर्य के कारण ही हमारी पृथ्वी चलती है, सूर्य के कारण ही हमारे यहाँ पे अनाज जो होता है वो पकता है, पेड़ पौधे वो बने रहते हैं, फल लगते हैं, फल फूलते हैं, तो हम सभी जो जीवित है वो सूर्य के कारण ही है। ये जो आंसर दिया था वो अकबर ने दिया था और इसका पूरा ज्ञान अकबर को बिरबल से प्राप्त होता था। इसलिए उसने एक अलग धर्म की स्थापना की थी जिसमें इस्लाम और हिंदू धर्म का समन्वय था, यानी कि सभी धर्मों का उसमें सम्मान था, सभी धर्मों की नीतियाँ शामिल थी। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें, आप अपने कमेंट्स भी दीजिए। थैंक यू सो मच।